सागर में एक छात्रा के साथ घटित दुष्कर्म की घटना को लेकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग उठा। जिला महिला कांग्रेस के बैनर तले महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया और प्रशासन के अधिकारियों को एक मांग पत्र सौंप पूरी घटना क्रम के सामने आ रही लापरवाही की जांच कर दोषियों पर भी कड़ी कार्यवाही की मांग रखी गई है। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को महिला सुरक्षा के मामले में निशाने पर ले जमकर घेरा और प्रदेश भर में महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों पर प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। साथ ही घटनाओं पर अंकुश लगे सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की गई। देखिए, एक आदिवासी एक अनुसूचित जाति की बच्ची के साथ जिस तरह से गैंगरेप की घटना यहाँ सामने आई है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज असामाजिक तत्वों पर प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। उस बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और प्रकरण दर्ज होने में इतना समय लगा है, आखिर किसके इशारे पर ये होता है? ये सरकार को विचार करना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद गृह मंत्रालय संभाले हुए हैं। लेकिन एक छात्रावास में, आदिवासी छात्रावास में एक अनुसूचित जाति की बच्ची के साथ गैंगरेप कैसे हो गया? वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं क्यों गड़बड़ाई हुई हैं? वार्डन नहीं आते और आज बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आज इंदौर में दो सैनिक अधिकारियों को बंधक बनाकर उनकी महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ है। ये आज दर्शाता है कि आज मध्य प्रदेश में किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करते हैं बेटियां बचाने की, लेकिन सच्चाई ये है कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो फिर लीपा पोती करना प्रारंभ कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान लें और कल मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस हर जिले में जिले स्तर पर प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि ये घटनाएं घट नहीं रही।